सिंपल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। राजनीतिक परिचर्चा में बात करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं बार एसोसिएशन सिरसा के पूर्व अध्यक्ष गुरुरतन पाल सिंह जी किंगरा। आइए उनसे राजनीतिक पर कुछ चर्चा करते हैं। किंगरा साहब, पहले तो आपका स्टूडियो में स्वागत है। थैंक यू। आप चुनाव लड़ने की घोषणा कर चुके हैं जी, तो कौन से हल्के से आप चुनाव लड़ेंगे? वैसे तो चुनाव जो भी आदमी लड़ता है उसकी ताकत कहाँ है, लोग बाग कहाँ के लोग उसके साथ हैं, उनका जनाधार कहाँ है, ये सारी बातें उस वक्त डिसाइड होती हैं। लेकिन फिलहाल मैं तो डबवाली हल्के से इलेक्शन लड़ने की बात करता हूँ। तो डबवाली हल्का ही आपने क्यों चयन किया कि वहाँ से आप चुनाव लड़ेंगे? एक बार पहले भी मैं कह चुका हूँ प्रेस वार्ता में कि पूरे हरियाणा में अगर मैं कहूँ, उससे सर डिस्ट्रिक्ट में भी अगर कहूँ, तो सबसे टफ कंस्टिट्यूएंसी जो है वो डबवाली है। नहीं, इसका कारण कोई? कारण तो वहाँ से दिग्गज लोग जो हैं, जो उस सीट से जीत का जिस परिवार ने उप प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के पदों को छुआ है, वो उनका गृह क्षेत्र है और वहाँ पर उनका दबदबा है। उस हिसाब से सबसे टफ कंस्टिट्यूएंसी तो आज तक यही है कि जहाँ से पिछले 20-25 सालों से कोई दूसरी पार्टी जीती नहीं। किंगरे साहब, आप ये बताएंगे कि किसी राजनीतिक पार्टी के टिकट पर आप वहाँ से चुनाव लड़ेंगे या फिर आजाद उम्मीदवार के रूप में उतरेंगे? किसी भी राजनीतिक पार्टी की टिकट की बात कर लो चाहे आजाद की बात कर लो, ये सारी बातें वोटर तय करता है, आपका जन समर्थन तय करता है और आपके जो सपोर्टर हैं वो तय करते हैं। नहीं, आप हमेशा कांग्रेस पार्टी के नेताओं के संपर्क में रहे हैं, तो क्या इस बारे में आपकी किसी लीडर से कोई बात हुई है कि कांग्रेस पार्टी की टिकट आपको मिल जाए? नहीं, फिलहाल कोई ऐसी बात नहीं है। पर अगर, चुनाव निश्चित है आप लड़ेंगे? हाँ, अगर पार्टी चाहेगी कि डबवाली से कांग्रेस की टिकट पे किंगरा इलेक्शन लड़े तो किंगरा तैयार है। डबवाली हल्के के लिए आप चुनाव अगर लड़ते हैं और जीत जाते हैं तो उसके बाद आप हल्के के विकास के लिए क्या क्या योजनाएं बनाएंगे? मेरा पहले भी मैं एक दो दफा कह चुका हूँ कि मेरा जो एजेंडा है और इलेक्शन लड़ने का भी जो मकसद है वो आधारभूत सुविधाएं जो हमारे लोगों की हैं, बेसिकली रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, इन्हीं को मजबूत करना है। इन्हीं मुद्दों को आगे लेके मैं बढ़ूंगा और इन्हीं मुद्दों पर मैं काम करूँगा। नशा मुक्ति बहुत बड़ा मुद्दा है और मैंने नशा मुक्ति में 2005-06 में काम किया था, जब इस इलाके में, मतलब इस इलाके को पूरे को शुष्क बंदरगाह कहा जाता था नशे की, ट्रकों के ट्रक यहाँ पे पोस्ट अफीम तत्कालीन जो सरकार थी उसके संरक्षण में बिकते थे। तो मैंने उस वक्त पुलिस SP थे उनके साथ मिल के काम किया, लोगों के साथ मिल के काम किया और हमने बहुत हद तक उसको कंट्रोल किया। डबवाली हल्का पंजाब और राजस्थान दोनों स्टेट के टच करता है जी, तो ऐसे में क्या आपको लगता है कि वहाँ नशे की जो प्रवृत्ति लोगों में पनप चुकी है या नशे के जो सौदागरों ने अपना जाल बना रखा है उसको आप तोड़ पाएंगे? अगर आप नशे की बात करो तो अकेले डबवाली हल्के की बात नहीं है, पूरे सिरसा डिस्ट्रिक्ट की। अब थोड़े दिन पहले मेरे पास चोपटा क्षेत्र के कुछ लोग आए थे और उन्होंने कहा बकायदा कि चिट्टा जो हमारे इलाके में जितना अब बिकना शुरू हुआ है पर्टिकुलर इस सरकार में आज तक कभी नहीं बिका। तो ये एक पर्टिकुलर एक हल्के की बात नहीं है, ये पूरे डिस्ट्रिक्ट की बात है और यहाँ तक मैं तो कहूँ पूरे पंजाब स्टेट की भी बात है, पूरे हरियाणा स्टेट के में भी ये नशा जो है वो बिक रहा है, नौजवान जो है उस ओर चले गए हैं या यूं कहें कि सरकारों ने जानबूझकर नौजवानों को उस ओर धकेल दिया है। ना नौजवानों को शिक्षा दो, ना उनको रोजगार दो, उनको नशे की तरफ धकेल दो, दोनों चीजें समस्या हल हो जाएंगी। अगर युवा शिक्षित होगा, पढ़ा लिखा होगा, वो रोजगार भी मांगेगा, वो अपने अधिकारों के लिए लड़ेगा भी, ठीक है ना जी। और जब वो अपने अधिकारों के लिए लड़ेगा तो सरकारों के पास उनको देने के लिए रोजगार तो है नहीं, कोई ऐसी पॉलिसी सरकार की है नहीं। और उससे आगे बढ़ के मैं बात करूं तो सरकारें ये कभी नहीं चाहती कि इस देश का युवा जागृत हो, इस देश का युवा शिक्षित हो, वो अपने अधिकार की मांग करे, ये कोई भी सरकार नहीं चाहती चाहे वो किसी की पार्टी हो। चुनाव में अगर
निर्धारित समय पर होते हैं तो लगभग 1.25 साल का समय बचा है, तो क्या आपने अभी से ही कुछ तैयारी चुनाव के लिए कर दी है? मैं तो 2005-06 से चुनावों की तैयारी में लगा हुआ हूँ, आज से नहीं। तो नहीं, इसके लिए हल्के के लोगों ने क्या क्या काम कर रहे हैं? मैं जो भी उनके दुख दर्द की बात है, जो उनके उनसे रिलेटेड मुद्दे हैं, जो करंट इशू हैं, उन इशू के ऊपर मैं हर वक्त बोला हूँ, हर वक्त काम कर रहा हूँ। 2015 में आपको ध्यान होगा, नरमे की फसल इस एरिए में लगभग चौपट हो चुकी थी। इसमें मैं ये नहीं अकेले डबली हल्के की बात करूं, मैं उस वक्त 200 गांव में, खुद 200 गांव में सिरसा डिस्ट्रिक्ट के गया, किसानों को जागृत किया, जहां पे नरमे की खेती होती थी। कुछ एरिया ऐसा है जहां पे धान की खेती होती थी, वहां जाने की जरूरत नहीं थी। लोगों को लामबंद किया, गाँव गाँव जाकर कमेटियां बनाई, एजिटेशन किया, 2.5-3 महीने धरने प्रदर्शन रहे, और आज तक सबसे ज़्यादा अगर आप यूँ कहें कि मुआवजा मिला है तो उस एजिटेशन की बदौलत सिरसा डिस्ट्रिक्ट में मिला है, और इतना पैसा आज तक कभी किसानों को नहीं मिला मुआवजे के रूप में। आप पेशे से एडवोकेट हैं, अधिवक्ता हैं जी, तो क्या लोगों को कानून के रूप में भी जागरूक कर रहे हैं? मैं जहाँ तक कानूनी तौर पर लोगों के लिए लड़ने की बात आती है, मैं वो भी करता हूँ। किसी को किसी कानूनी सलाह की जरूरत है, मैं वो भी देता हूँ। और एक दो दफ़ा तो ऐसा हुआ कि कभी लोक अदालत में मेरी ड्यूटी लगी या वहाँ मेरे को जाने का मौका मिला या उस फैसले को प्रभावित करने में मैं बैठा हूँ, तो मैंने मैक्सिमम से मैक्सिमम रिलीफ लोगों को दिया है। मेरे आज भी याद है, जब मैं पिछली बार प्रधान बना था, पहली बार एक पिपली गाँव की एक लेडी, पिपली गाँव की, जिसका 31,000 रुपये बिल बिजली का आया था जी, जो भरने में बिल्कुल असमर्थ थी, मैंने उसी वक्त उसमें दखल करके उसको 6,000 रुपये करवाया। अंत में एक सवाल, मौजूदा भाजपा सरकार है, विकास के दावे भी हैं, तो क्या आपको लगता है कि डबवाली हलके में इस सरकार के लगभग 3.5 साल के शासन में कितना विकास हुआ है? क्या आप उसको मानते हैं कि विकास हुआ या नहीं हुआ? विकास की परिभाषा क्या है, सबसे पहले तो हमें यह समझ, गलियों का निर्माण मैं इसको विकास नहीं समझता जी। पूर्ववर्ती सरकारों ने छप्पड़ पक्के करवाए विकास के नाम पे, मैं पशुओं के छप्पड़ पक्के करने को विकास नहीं मानता जी। मैं सड़कें बनाने को विकास नहीं मानता जी। भाजपा सरकार ये कहे कि मैं टोल टैक्स लगा के जो सड़क हमने बनाई है और लोगों की लूट का जो अड्डा टोल टैक्स के रूप में बनाया है, हम उसको विकास के रूप में प्रदर्शित करें, तो मैं उसको विकास नहीं मानता जी। ये सिर्फ सरकारें अपने पूंजीपति वर्ग को प्रोटेक्ट करने के लिए, उनकी जेबें भरने के लिए ये दूसरे तरीके से लोगों की लूट के डे बनाए हुए हैं, मैं इसको विकास नहीं मानता। असली विकास है लोगों को रोजगार के साधन दो, हर युवा को शिक्षा दो। मुझे बता दो कि डबली हल्के में कितने गाँव में जो स्कूल थे वो अपग्रेड किए गए, और यहां तक शिक्षा के निजीकरण को इन लोगों ने बढ़ावा दिया, जानबूझकर स्कूलों में स्टाफ पूरा नहीं किया गया, किताबें नहीं दी गई। मैं ये पूछना चाहता हूं कि कितने स्कूलों को अपग्रेड किया गया? डबल हल्के को छोड़ दो, आप एक पर्टिकुलर हल्के की बात ही नहीं करते, अब पूरे सिरसा डिस्ट्रिक्ट की बात कर लें, कौन सा नया इंस्टीट्यूशन इस सरकार ने लोगों के रोजगार के लिए, बच्चों की शिक्षा के लिए खोला? क्या रोजगार पर शिक्षा बच्चों को दी गई? हम लोगों को कलर्क पैदा नहीं कर रहे, हमने लोगों को एक क्या कहते हैं कि उसको मजदूर पैदा नहीं कर रहे, हमें चाहिए बड़े उद्यमी पैदा करने हैं, हमें IAS IPS अफसर पैदा करने हैं। क्या ऐसा सरकार ने कुछ किया? कोई ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट कोई ऐसा हो जो सिरसा में कोई UPSC की तैयारी करवाता हो, कोई HPS की तैयारी करवाता हो, कोई जुडिशरी की तैयारी करवाता हो, कोई ऐसा सरकार के लेवल पे कोई ऐसा है क्या? एक यूनिवर्सिटी सिरसा में बनाई गई, वो यूनिवर्सिटी आज तक भी कामयाब नहीं हुई। जिस सरकार ने वो यूनिवर्सिटी खोली, सबसे पहले तो उस सरकार की नियत में खोट था, उस यूनिवर्सिटी को जानबूझकर फेल किया गया, और उसमें एक सिंगल क्लर्क भर्ती नहीं किया गया जब तक वो सरकार रही, क्योंकि उनके अपने निजी शिक्षण संस्थान जो उन्होंने खोले, उनको अगर वो यूनिवर्सिटी कामयाब हो जाती उनके वो निजी शिक्षण संस्थान फेल हो जाने थे। असल आप पूर्व सरकार की बात कर रहे हैं, तो क्या लगता है कि इस बार के चुनाव में लोग उन जो पूर्व सरकार की जिनकी आप बात कर रहे हो उनको आईना दिखाएंगे? देखो
इलेक्शन की बात जो होती है, वोट की जो बात होती है, उस वक्त कौन आदमी किस तरीके से लोगों को बरगलाता है। कई बार हमारे लोग झांसे में आ जाते हैं, जिस प्रकार इस बार आए, वोट मांगा गया था विकास के नाम पर जी। एक नारा था सबका साथ सबका विकास, उसके बाद सरकार कहां गई? सरकार पहुंच गई लव जिहाद पर, सरकार पहुंच गई मंदिर मस्जिद पर, सरकार पहुंच गई गौ मास पर, सरकार पहुंच गई गौ हत्या पर, सरकार कहां पहुंच गई? कुल मिला वो लोगों ने वोट विकास के नाम पर दिया और आप कर क्या रहे? मतलब आपकी नजरों में आज तक इस सरकार ने विकास के नाम पे जो सड़कें गलियां हैं वो मानते नहीं और विकास करवा रही, तो हम उम्मीद करते हैं कि किंगरा साहब राजनीति में उतरेंगे और जो मुद्दे इन्होंने उठाए हैं उन मुद्दों को, युवाओं को रोजगार देने का मामला हो, शिक्षा का मामला हो, वो उठाएंगे ताकि इनके हलके सहित अन्य हलकों का भी विकास हो सके। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।